नमस्कार, तो आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। तो चलिए दिन भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। स्वाति मालीवाल को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने लिया ये नया फैसला। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। सीबीआई करेगी दिल्ली अस्पतालों में घटिया दवाओं की सप्लाई की जाँच, गृह मंत्रालय ने दिए आदेश। जम्मू कश्मीर में शोपियां में सुरक्षा बलों ने ढेर किया एक आतंकी। सुरक्षा बलों ने बड़ी ही चालाकी से आतंकी को ढेर किया। संसद सुरक्षा चूक का एक आरोपी का होगा पॉलीग्राफ। नार्को टेस्ट और ब्रेक मैपिंग पुलिस ने किया आवेदन। दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह को दी राहत। राज्यसभा में रिनोमिनेशन डॉक्यूमेंट पर साइन की मिली अनुमति। शाही ईदगाह को जन्मभूमि मानने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई खारिज। सोमालिया के पास जहाज एमवी लीला हाईजैक, शिप पर है 15 भारतीय क्रू मेंबर। एससी ने पंजाब और हरियाणा के विवाद पर शुरू की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। सतलुज यमुना की लिंक नहर से जुड़ा है मामला। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के योन प्योंग गढ़ों के पास की गोलीबारी। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी टीम। दिलबाग सिंह के घर छापे में मिला 5 करोड़ कैश, 300 कारतूस भी बरामद। मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर के हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलाएगा एलडीए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 25 सीटों का दावा। इंडिया गठबंधन में जल्द शुरू होगी सीट शेयरिंग पर चर्चा। रामेश्वरम में कस्टम ऑफिसरों ने जब्त किया 7 किलोग्राम सोना, श्रीलंका से लाया गया था गोल्ड। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गैंगस्टर विनोद उपाध्याय को एनकाउंटर में किया ढेर। दिल्ली में 16 जनवरी से लोगों के लिए खुल सकती है मोदी गैलरी। अमेरिका में एक और हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों ने किया हमला। उत्तर प्रदेश में पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड होंगे 928 स्कूल। जयपुर में आज से शुरू होगी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी और अमित शाह भी करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 18 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 12 जिलों के कप्तान बदले गए। मैरी पॉम्पेस की एक्ट्रेस ग्लाइनिस जॉन्स का निधन, 100 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस। जम्मू कश्मीर के सोफिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी विल्किन इसराइल पहुंचे, वेस्ट बैंक का करेंगे दौरा। उत्तराखंड सीएम ने केंद्रीय विमानन मंत्री से देहरादून अयोध्या फ्लाइट शुरू करने की मांग की। इसराइल हमास युद्ध में वेस्ट बैंक में इजरायली सेना घरों में चला रही तलाशी अभियान। कोहरे का असर देखने को मिला, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट। कोहरे का असर इतना खतरनाक कि ट्रेनों को किया गया लेट। बिहार के राज्यपाल को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का मिला न्योता। केंद्र सरकार टैक्स भुगतान में कर्नाटक के साथ कर रही अन्याय, सीएम सिद्धारमैया का बड़ा आरोप। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। ऐसे ही लगातार खबरों के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।